गाड़ी जमा हो गई, गाड़ी बंद कर रहा हूँ विदाउट लाइसेंस रिपोर्ट से ले। सो फाइनली गाइस पहुँच गए हम कहाँ भाई, पानी वानी पिया हमने रुक कर, हमने सोचा थोड़ी बात बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि चलान हो गया तुम्हें पता बहुत पकड़ा वाला चलान बेटा भाई तुम्हारे भाई का, लाइसेंस नहीं था, आरसी गए भाई आज। गाड़ी जमा हो गई, गाड़ी बंद कर रहा हूँ विदाउट लाइसेंस रिपोर्ट से ले, लाइसेंस चलाई थी गाड़ी से, लाइसेंस है है? रेसिंग वाला है नट भी। थैंक यू सर। ओ भाई क्या हो गया भाई, चेक दिस भाई, यस ओ भाई गाड़ी सीज करने के कह रहे थे भाई, तो मेरा आधार कार्ड भी ले लिया सर ने, मेरा पर्स कहाँ है, मैंने रख लिया भाई। तो गाइस देख लो भाई सर ने मतलब मेरा आधार कार्ड ले लिया और गाड़ी भी भाई सीज करने के कह रहे थे भाई, लाइसेंस नहीं है तेरे पास और विदाउट हेलमेट है, तो भाई मैं एग्ज़ाम दिलवाने गया था इन्हें लिंशा को, मतलब एग्ज़ाम दिलवाने गया हुआ था, मुझे नहीं पता था भाई ये हो जाएगा और मैं पहले ही कह रहा था इससे मैं ट्रैफिक वाले खड़े हैं, मैंने हो सकता है रोक ले, तो भाई वहाँ लगवाई ली उन्होंने मुझसे साइड में कह करके, भाई लगा ले साइड में विदाउट हेलमेट कहाँ जा रहा है, तो इनने कहा भाई मतलब एग्ज़ाम दे कर आ रहे हैं सर जल्दी जल्दी मेरे थोड़ा सुबह, तो कहने लग गया लाइसेंस भी नहीं है भाई, कोर्ट से छुड़वा लिया, काम कर आरसी जमा कर दिया फिर, मैंने कहा सर देख लो, मैंने देखने का मतलब समझते ही आप क्या देख लो, लेकिन भाई ईमानदार पुलिस वाले थे, यूँ करे भाई पुलिस से आ रहे हो इस वजह से छोड़ लो बस। हाँ है पैसे क्यों लेंगे भाई, ऐसे ही लाइसेंस भी नहीं था। तो भाई अंकल जी भी पूछ रहे मतलब ऐसे छोड़ा है मतलब पैसे लिए, तो मैंने भाई पैसे तो लिए ही नहीं, खैर उन्होंने पैसे वैसे कुछ नहीं लिए भाई, ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ
अच्छी बात है यार भाई, करना चाहिए थोड़ा बहुत क्योंकि यार कॉलेज भी तो इस बल से भाई क्या बोलो यार, आज तो फिल्म करवा देती है। कितने का चुने लगता पता कुछ है? बचा लिया? ओ भाई बच गया कम से कम, कम नहीं 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 ये हकीकत बात है भाई, इसकी वजह से बच गया और पकड़ा भी इसी की वजह से गया हूँ। पूछे क्यों? क्योंकि भाई मैं राइड पर जाता हूँ तो सिंगल बंदा जाता हूँ, हेलमेट लगवा के जाता हूँ, या फिर सुबह जल्दी जल्दी मैं निकला था मैं से कॉलेज लेने, मैंने भाई निकल जाते हैं जल्दी जल्दी और क्या फ़ायदा भाई, लेट हो जाएगी। तो 9:30 बजे निकला था, 10 बजे का इसका पेपर था, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मैं निकल गया। और तो भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मतलब सर कहते हैं भाई लाइसेंस, मैंने सर लाइसेंस है नहीं, कह रहे बना ही नहीं है या है ही नहीं, मैंने सर जैसा मर्जी समझ लो बना ही नहीं है या है नहीं, मतलब वो चीज़ तो कहने लग गए भाई गाड़ी सीज होगी, वो देख ही लिया भाई तुमने। फिर कह रहे ये क्या है, मैंने कैमरा चालू है, मैंने ऑफ है, दिखाइए चालू कैसे होता है, जबकि ऑन रख रखा था कैमरा। मुझे पता थी भाई कि चलान होगा, बहुत तगड़ा चलान बैठेगा, क्योंकि भाई लाइसेंस नहीं प्लस ऊपर से हेलमेट नहीं है भाई इन पर, तो बहुत गंदी टिकती मेरी, समझते हो ना गंदी का मतलब, बहुत तगड़ी वाली भाई, कम से कम कम नहीं 10-12 हज़ार रुपये का चलान बनना था। तो भाई सर ने समझा क्या, अभी पहले पानी पी दे भाई, बहुत सुकून से मिल रहा है, बच गया वरना बहुत तगड़ा चलान होने वाला था गाइस, पहले पानी पीते रुक कर उसके बाद। थैंक यू बोल दिया, मुझे बोला एक बार भी, पहले पानी पीते उसके बाद बोलूँगा तो थैंक यू। तो गाइस पहले पानी पीते कहीं रुक कर फिर बात करते हैं। तो फाइनली गाइस पहुँच गए हम कहाँ भाई, पानी वानी पिया हमने रुक कर, हमने सोचा थोड़ी बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि चलान हो गया तुम्हें पता, बहुत तगड़ा वाला चलान बेटा भाई तुम्हारे भाई का, लाइसेंस नहीं था आरसी। तो ट्रैफिक वाले सर कहने लग गए भाई, मतलब गुड़िया की वजह से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई एग्ज़ाम देने गई थी UPSC के, तो इस वजह से थोड़ा छोड़ दिया मैं, लेकिन भाई फिर भी वार्निंग दे दी उन्होंने कि लाइसेंस की अप्लाई कर दो, लाइसेंस भाई मेरे पास है नहीं। वो लाइसेंस क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ भाई, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा लाइसेंस बनवाने का, तो सबसे पहले यही काम करना है मैंने, वो क्या करना है सबसे पहले लाइसेंस, तो लाइसेंस की अप्लाई करने जाना है मेरे को सबसे पहले। तो भाई जी दूसरी बार था इसके साथ, और दोनों बार मैंने बचाया, दोनों बार नहीं बचाया, उस टाइम भी उन्होंने ये कहा था गुड़िया के जैसे छोड़ रहा हूँ। हाँ एक बार और पकड़ा था कनाट पेलिस के अंदर, तो हम शॉपिंग करने गए थे और वहाँ पकड़ा था, तो खैर इसकी वजह से छोड़ा था वहाँ भी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं कह रहे थे यार वो। अच्छा? हाँ अभी जाऊँ बुला के लाऊँ क्या करवा दूंगी चलान, पता ना 10,000 की गाड़ी का लाइसेंस का और 1,000 का हेलमेट का। अच्छा अच्छा और भी बहुत कुछ। तो तुम दिल्ली पुलिस की जो मतलब तैयारी कर रही हो, तुम्हारी बातचीत जरा सी भी नहीं है, मतलब बचाया ही मैंने है। क्या बचाया? मैंने नहीं बचाया, बचाया है। थैंक यू अभी तक नहीं बोला, तो थैंक यू क्यों बोलूं भाई, मैं अपना काम छोड़ के गया, मुझे बोलना चाहिए ना थैंक यू। तो दो बार बचाया ना, तीसरी बार फिर पकड़े जाओगे, इस बार कहूंगी बंद ही कर दे इसको। है क्या इसको बंद जाने मेरी है। तो क्या राइड करनी है क्या इसकी? नहीं है मतलब पता ही आपको, चेक करो, तमीज़ से बात करो और इज्जत से बात करो ना, और आराम से बिल्कुल प्यार से बात समझाने की कोशिश करो। तो भाई मान जाते हैं ट्रैफिक वाले भी, पर क्या करें भाई, वार्निंग दे रहे थे लास्ट बार भाई, सही है ऐसा होना चाहिए भाई, एक बार बंदे को समझाए तो सही, कम से कम बहुत से कैसे करते हैं भाई, बहुत सौ की मतलब मैंने देखा है भाई, बंदे ऐड ऐड के बोलते, चिल्ला के बोलते हैं, उन्होंने भाई कुछ भी नहीं बोला, आए मेरी पीठ पर हाथ मार के अलग सा, मतलब ऐसे ही प्यार में, फिर मैंने थैंक यू बोला भाई, देख लो भाई डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो और सेफ रहो, सुरक्षित गाड़ी चलाओ आराम से, बिल्कुल ज़्यादा हाई पर राइड नहीं, और हेलमेट ज़रूर लगा के निकलो भाई। तो अब की बार तो बच गया मैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ना बचूँ, तो ऐसे नेक्स्ट टाइम में गलती भी नहीं करने का। अब मैं जाऊँगा इसे करोल बाग हेलमेट दिलवाने, और जाऊँगा मैं भाई करोल बाग ही जाऊँगा, इसे हेलमेट दिलवाने, हेलमेट दिलवा के जाऊँगा इसे करोल बाग से, और हो सकता है मैं अपनी राइडिंग जैकेट भी ले आऊँ हाथों हाथ लगा हो। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं कोई अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।